हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा बेनिफिशियल इंसेक्ट सिल्कवॉर्म। इसके बाद दो वीडियोस और आएंगे बेनिफिशियल इंसेक्ट पर। पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन, जो सिल्क वॉर्म कब डिस्कवर्ड किया गया, तो 2700 बीसी में। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना है कि सिल्क वॉर्म कब डिस्कवर्ड किया, 2700 बीसी में। फर्स्ट कंट्री जहां पर सिल्क वॉर्म को जाना गया सबसे पहली बार, या जहां पर सबसे पहली बार सिल्क वॉर्म ओरिजिनेट हुआ सिल्क, वो कौन सी है, चाइना। ठीक है, फॉलोड बाई कोरिया। सेकेंड नंबर पर कौन है, कोरिया। फर्स्ट नंबर पर चाइना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ थर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सेरिकल्चर है वो किस प्रकार का वर्ड है, फ्रेंच है, इंग्लिश है या कैसा है, तो फ्रेंच वर्ड है जो कि दो वर्ड से बना है, सेरीज। सेरीज का मतलब होता है सिल्क और कल्चर का मतलब रेजिंग। तो सेरिकल्चर कैसा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड। ठीक है, द नेक्स्ट है, सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर फ्रॉम अ सलाइवा सेक्रेटेड बाई सिल्क वर्म। जो सिल्क है वो सलाइवा के द्वारा, जो कि सिल्क वर्म सेक्रेट करता है, उससे बनता है। ठीक है, तो सिल्क क्या है, एक नेचुरल फाइबर है जो कि सिल्क वर्म के द्वारा उसके जो सलाइवा है सेक्रेट करता है उससे बनता है। देन मलबरी सिल्क अकाउंट्स 95% ऑफ द टोटल सिल्क दैट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो मलबरी सिल्क है वो 95% पाया जाता है। ठीक है, जितना भी सिल्क इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसका 95% क्या है, मलबरी सिल्क। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, चाइना इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ओक टसर इन द वर्ल्ड। जो ओक टसर सिल्क है उसका चाइना है मेजर प्रोड्यूसर है। ठीक है, नंबर वन पर कौन है, चाइना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि इंडिया में कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस होता है, तो वो है कर्नाटका। ठीक है, कौन सा है, कर्नाटका, याद रखना ये भी, कर्नाटका है इंडिया में जहां पर सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस होता है। देन इरी सिल्क इज़ ऑल्सो नोन एज इंडी और इरंडी। ठीक है, जो इरी सिल्क है उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, इंडी और एंड इरंडी, ये दो नाम है। पूछ सकता है कि इंडी और इरंडी ऑल्सो नोन एज इरी सिल्क। देन इरी सिल्क वॉर्म रियरिंग इज मेनली प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, स्पेशली असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। जो इरी सिल्क है मेनली वो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, ठीक है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, यहाँ पर मेनली हमारा प्रैक्टिस किया जाता है, यहाँ पर रियर किया जाता है। तो इतना याद रखना कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के आपको कुछ नाम याद रखने हैं, मेनली आपको असम याद रखना है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कंट्रीब्यूट अबाउट लार्जेस्ट शेयर इन इरी सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन 90%। जो नॉर्दर्न स्टेट है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन स्टेट है, वो हमारा इरी सिल्क वॉर्म को कितना, 90% से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। देन द गोल्डन येल्लो मूंगा सिल्क ऑफ असम हैज़ बीन ग्रांटेड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जो येल्लो मूंगा सिल्क है असम का, ठीक है, तो कहाँ पर, असम, ठीक है, जो कि मोनोपोली कहाँ पर है, मूंगा सिल्क की असम में, ये गोल्डन येल्लो मूंगा सिल्क, ठीक है, तो वो हमारा इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग होता है वो मिला है गोल्डन येल्लो मूंगा सिल्क को, जो कि असम का है। देन क्वेश्चन 11 है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज अ स्टेचुटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो किसके अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, ठीक है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो हमारा बेंगलुरु में, ठीक है, तुम्हारा कहाँ पर है, बेंगलुरु में सिचुएटेड है। दूसरा यहाँ से पूछता है कि सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्या है, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो हमारा कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो हमारा मैसूर में, ठीक है, ये भी कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटका में, ठीक है, ठीक है, ये भी याद रखना है, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटका में, ठीक है, और सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ पर है, बेंगलुरु में। देन द मलबरी सिल्क वॉर्म बिलोंग्स टू द फैमिली बॉम्बिसिडी, ठीक है, याद रखना कि जो मलबरी सिल्क है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, बॉम्बिसिडी को, जो अदर सिल्क है वो सैटर्निडी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जैसे हमारा तसर सिल्क हो गया, मूंगा सिल्क और इरी सिल्क वॉर्म हो गए, ये सैटर्निडी फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो मलबरी सिल्क वॉर्म है वो बॉम्बिसिडी फैमिली को बिलोंग करता है। द ब्राउन कलर्ड सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई तसर सिल्क वॉर्म। जो तसर सिल्क वॉर्म है वो ब्राउन कलर्ड सिल्क को प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि ब्राउन कलर्ड जो सिल्क है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो तसर सिल्क वॉर्म के द्वारा।
द नेम ऑफ स्पीसीज ऑफ सिल्क दैट इज सेमी डोमेस्टिकेटेड, ठीक है, कौन सी स्पीसीज जो कि सेमी डोमेस्टिकेटेड है, मेनली जो रेड कलर के ये हाईलाइटेड वर्ड हैं इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो स्पीसीज कौन सी है जो कि सेमी डोमेस्टिकेटेड है, तो वो मूंगा सिल्क वॉर्म है, ठीक है, मूंगा सिल्क वॉर्म है वो जो कि सेमी डोमेस्टिकेटेड इन नेचर। द मूंगा सिल्क वॉर्म बिलोंग्स टू द नेटिव प्लेस ऑफ असम, जो मूंगा सिल्क है उसका नेटिव प्लेस क्या है, असम, ठीक है। नेम ऑफ स्पीसीज ऑफ सिल्क वॉर्म वेयर कोकोन्स कैन नॉट बी रील्ड आउट एज अ मलबरी कोकोन, ठीक है, तो नेम ऑफ स्पीसीज ऑफ सिल्क वॉर्म जहाँ पर कोकोन कैन नॉट बी रील्ड आउट एज अ दैट ऑफ मलबरी कोकोन जैसे, तो वो कौन सा है, इरी सिल्क वॉर्म, ठीक है, तो याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 18 है, द होस्ट ऑफ तसर सिल्क वॉर्म आर बेर, ओक एंड साल। होस्ट तसर सिल्क वॉर्म का जो होस्ट है वो कौन सा है, बेर है, ओक है और साल। तो ये भी पूछा जाता है कि होस्ट क्या है तसर सिल्क का, तो याद रखना है बेर का पेड़ हो गया, ओक हो गया और साल का जो पेड़ है वो क्या है, होस्ट है। द नेम ऑफ स्पीसीज ऑफ सिल्क दैट इज मोनोपोली टू इंडिया, इंडिया में कौन सा स्पीसीज है जो कि मोनोपोली है, मीन्स एक ही पाया जाता है, तो वो एंथ्रिया असामा, ठीक है, जिसे हम लोग मूंगा सिल्क कहते हैं, ठीक है, एंथ्रिया असामा क्या कहते हैं, मूंगा सिल्क। तो याद रखना है कौन सा स्पीसीज जो कि मोनोपोली है, वो एंथ्रिया असामा, ठीक है। देन आगे है, द स्पीसीज ऑफ जेंट सिल्कवॉर्म इज अटैकस एटलस, जेंट स्पीसीज कौन सी है सिल्कवॉर्म की, वो है अटैकस एटलस, ठीक है, जेंट स्पीसीज क्या है, अटैकस एटलस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेंट स्पीसीज। द स्टेज ऑफ मलबरी सिल्कवॉर्म दैट अंडरगोज डाइपॉज, डाइपॉज का मतलब एक तरीके से आप कर सकते हैं कि हाइबरनेशन में, मतलब उस समय उसका जो डेवलपमेंट होता है वो रिस्ट्रिक हो जाता है, तो मलबरी सिल्कवॉर्म का कौन सा स्टेज है जो कि डाइपॉज में जाता है, तो वो एग स्टेज है, ठीक है, याद रखना है मलबरी का कौन सा स्टेज है, एग स्टेज है, और मूंगा का पूछता है तो वो प्यूपा स्टेज है, ठीक है, अगर आपसे मूंगा का पूछे, मूंगा सिल्क का, तो वो प्यूपा स्टेज है जो कि डाइपॉज के अंदर जाता है। तो ये दोनों याद रखना, कंफ्यूज नहीं होता है, मलबरी का एग और मूंगा का प्यूपा स्टेज। द नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ एन इंसेक्ट कंप्लीट्स इन वन ईयर इन नेचुरल कंडीशन इज नोन एज वॉलंटिज्म, ठीक है, कितने नंबर ऑफ जनरेशन एक साल में अंदर नेचुरल कंडीशन एक सिल्क वॉर्म कंप्लीट करता है, तो उसे कहते हैं वॉल्टिनिज्म, ठीक है, क्या कहते हैं, वॉल्टिनिज्म, मतलब कितने नंबर ऑफ जनरेशन एक साल में अंडर नेचुरल कंडीशन कंप्लीट करता है कोई सिल्क वॉर्म, तो उसे कहते हैं वॉल्टिनिज्म। द नेम द स्पीसीज ऑफ सिल्क वॉर्म वेयर कोकोन हैज पेडेंकल, ऐसा स्पीसीज जहाँ पे जो कोकोन में पेडेंकल, पेडेंकल क्या होता, आपने फ्लावर देखा होगा, ठीक है, मान लीजिए फ्लावर है तो ये जो पार्ट है ना ये पेडेंकल, तो जिस कौन सा स्पीसीज है जिसमें कोकोन में पेडेंकल पाया जाता है, तो सेमिया सेंथिया रेसिनी, ठीक है, ये स्पीसीज है जिसमें पेडेंकल पाया जाता है। द प्राइमरी होस्ट प्लांट ऑफ तसर सिल्क वॉर्म इज टर्मिलिया स्पीसीज, जो प्राइमरी होस्ट प्लांट है तसर सिल्क का वो कौन सा है, टर्मिलिया स्पीसीज, मतलब जो अर्जुन का पेड़ है वो उसका होस्ट प्लांट है, ठीक है, अर्जुन का पेड़ है, साइंटिफिक नाम याद रखना, साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, तो अर्जुन का जो प्लांट है वो इसका प्राइमरी होस्ट है तसर सिल्क वॉर्म का। देन सिल्क वॉर्म स्पिनिंग ऑर्गन ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज स्पाइनरेट, ठीक है, जो सिल्क वॉर्म है उसका जो सिल्क स्पाइनिंग ऑर्गन है उसे क्या कहते हैं, स्पाइनरेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पाइनरेट। देन क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्रोलॉग ऑफ सिल्क वॉर्म लार्वा हैव हुक लाइक स्ट्रक्चर एट इट्स बेस इज नोन एज क्रॉचेट्स, जो सिल्क वॉर्म लार्वा होते हैं उनके जो बेस होता है, ठीक है, उनका हुक लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है जो प्रोलेक्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉचेट्स, ठीक है, क्रॉचेट्स किससे रिलेटेड है, आपके हुक लाइक स्ट्रक्चर से जो कि लार्वा के प्रोलेक्स में होते हैं। देन द प्रोपगेटिंग मटेरियल कॉमनली यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ मलबरी, मलबरी का प्रोपगेटिंग मटेरियल क्या है, कटिंग्स, ठीक है, मलबरी जो सिल्क वॉर्म है वो कैसे कल्टिवेट किया जाता है, तो वो कटिंग के द्वारा। देन द कंट्रीज विच रैंक इन रॉ सिल्क प्रोडक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, रॉ सिल्क, ठीक है, यहाँ देखिएगा, रॉ सिल्क प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री है जो कि नंबर वन पे है, नंबर टू और नंबर थ्री पे, तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है, मीन्स आपका नंबर वन पे कौन है, तो नंबर वन पे चाइना है, ठीक है, नंबर टू पे जापान है और नंबर तीन पर कौन है, रसिया, ठीक है, ये भी याद रखना है, रॉ सिल्क प्रोडक्शन में है, ठीक है, नंबर वन पे चाइना, नंबर टू पे जापान एंड नंबर थ्री पे रशिया। द स्टेट विच रैंक फर्स्ट इन सिल्क प्रोडक्शन इज कर्नाटका, इंडिया में कौन सा स्टेट है, कर्नाटका, जहाँ पर जो नंबर वन स्टेट है रॉ सिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है, वर्ल्ड में कौन सा कंट्री है, तो चाइना है, फिर देन सा जापान है, और इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन सा स्टेट है, तो वो कर्नाटका है। देन गोल्डन येल्लो कलर सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई मूंगा सिल्क वॉर्म एंथ्रिया असामा, ठीक है, जो गोल्डन येल्लो कलर जिसको GI टैग मिला है असम का जो सिल्क को है, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, एंथ्रिया असामा, जिसका साइंटिफिक नेम है मूंगा सिल्क का, ठीक है, तो साइंटिफिक नेम भी पूछ सकता है, एंथ्रिया असामा। द कल्टिवेशन ऑफ फूड प्लांट्स ऑफ नॉन मलबरी सिल्क इज नोन एज, ठीक है, फूड प्लांट का कल्टिवेट कर नॉन मलबरी जो सिल्क वॉर्म,
ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अर्बोरी कल्चर। द यूनिट यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ सिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी यूनिट है जो कि सिल्क की जो थिकनेस है उसमें उस मेजर करता है, तो डेनियर। ठीक है, जैसे हम लोग लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, वैसे सिल्क की जो यूनिट है किसमें मेजर करते हैं, तो डेनियर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द प्लेस वेयर डिसीज फ्री लेइंग ऑफ सिल्क वॉर्म प्रिपेयर्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस, उसे कहते हैं ग्रेनेज। ठीक है, याद रखना, ये कुछ टर्म है, आपको डिफिनेशन सीधा दे सकता है, डिफिनेशन आपको पूछ लिया जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रेनेज। द इनर कोर ऑफ सिल्क फिलामेंट फेब्रियन इज अ प्रोटीन, जो इनर कोर होती है सिल्क फिलामेंट की, फेब्रियन जिसे हम लोग जिसकी किसकी बनी होती है, प्रोटीन। ठीक है, वो कैसी होती है, प्रोटीनिशियस इन नेचर। देन ड्यूपियन सिल्क इज अ सिल्क फिलामेंट रील्ड आउट ऑफ डबल कोकून, जो ड्यूपियन सिल्क है वो सिल्क फिलामेंट की रील्ड आउट कैसे, डबल कोकून से। ठीक है, जो ड्यूपियन सिल्क है वो किससे निकाला जाता है, डबल कोकून से। द स्टेज ऑफ तसर सिल्क वॉर्म अंडर गो डाइपॉज इज प्यूपा, कौन सा स्टेज है तसर सिल्क का जो कि डाइपॉज में जाता है, वो है प्यूपा। ठीक है, सॉरी, इससे पहले मैंने बताया था मूंगा सिल्क, तो मूंगा नहीं होगा वहाँ पर, याद रखिएगा, यहाँ पर तसर होगा। ठीक है, जो तसर सिल्क स्टेज सिल्क वॉर्म है उसका कौन सा स्टेज डाइपॉज में जाता है, वो प्यूपा होगा। इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि मूंगा, तो मूंगा स्टेज नहीं जाता है, वो है तसर सिल्क वॉर्म स्टेज। ठीक है, जो कि डाइपॉज में जाता है, तो वो कौन सा स्टेज है, प्यूपा। द न्यूली हैच्ड सिल्क वॉर्म आर नोन बाई डिफरेंट नेम एज एंड चौकी एंड। ठीक है, जो न्यूली हैच्ड सिल्क वॉर्म, उनको दूसरे दूसरे नाम से हर जगह जाना जाता है, तो पहले तो एक एंड्स भी कहते हैं, चौकी भी कहते हैं, और केक्स। ठीक है, कोई भी नाम है, इसमें से आपको पूछा जा सकता है। देन 38 क्वेश्चन है, द कॉमन ट्रीटमेंट डोज टू सिल्क वॉर्म एक्स टू ओवरकम हाइबरनेशन, मान लीजिए एक्स हैं सिल्क वॉर्म की, वो हाइबरनेशन में चले गए, तो उनको क्या ट्रीटमेंट देंगे कि वो हाइबरनेशन में ना जाए, तो उनको हॉट एसीएल ट्रीटमेंट। ठीक है, हॉट एसीएल याद रखना है, उनको ट्रीटमेंट देंगे टू ओवरकम हाइबरनेशन। द प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा विदाउट चेंजिंग द कोकोन सेल इज नोन एज, प्यूपा को किल करना विदाउट चेंजिंग द कोकोन सेल, कोकोन सेल को बिना चेंज किए, तो उसे क्या कहेंगे, स्टिफलिंग। ठीक है, टर्म याद रखना, स्टिफलिंग मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ प्यूपा विदाउट चेंजिंग द कोकोन सेल। डेनियर इज यूजली रिफर टू द वेट ऑफ सिंगल्स फिलामेंट ऑफ 9000 मीटर। ठीक है, 9000 मीटर जो वेट सैंपल फिलामेंट का, उसे क्या कहते हैं, डेनियर। याद रखना, यूनिट जिसमें सिल्क की जो थिकनेस मेजर की जाती है वो है डेनियर। सिल्क ग्लैंड्स आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, इंपॉर्टेंट है कि जो सिल्क ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टोडर्मल होते हैं ऑरिजिन में। द स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म व्हेन इट इज सिंथेसाइज्ड सिल्क आर व्हेन इट सिंथेसाइज सिल्क, कौन सा स्टेज है सिल्क का जब वो सिल्क को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ इंस्टार लार्वा। ठीक है, याद रखना, सिल्क वॉर्म का कौन सा स्टेज है जब वो सिल्क को सिंथेसाइज करता है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ इंस्टार लार्वा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन द मदर मोथ एग्जामिनेशन इज डन फॉर सिल्क वॉर्म टू एग्जामिन द डिसीज, जो मदर मोथ एग्जामिनेशन की जाती है सिल्क वॉर्म में, वो कौन सी डिसीज़ को एग्जामिन करने के लिए की जाती है, तो वो की जाती है पेब्राइन डिसीज़। ठीक है, याद रखना है, पेब्राइन डिसीज़ को करने के लिए की जाती है। देन ट्रॉपिकल तसर सिल्क वॉर्म आर रियर्ड ऑन अर्जुन एंड असन सीडलिंग, जो ट्रॉपिकल तसर सिल्क वॉर्म है वो किस पर, अर्जुन पर और असन सीडलिंग पर हमारा रियर किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। देन सिंगल कोकून कंस्ट्रक्टेड बाई टू लार्वा इज नोन एज डबल कोकून, सिंगल कोकून जो कि दो लार्वा के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल कोकून। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंगल कोकून कंस्ट्रक्टेड बाई टू लार्वा इज नोन एज डबल कोकून। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।